सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऐश हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम रेड बटन को दबा के इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ ये बहुत सिंपल और आसान सी रेमेडी है और इसके लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो टमाटर है और सेकंड जो है वो लेमन रस है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। जो टमाटर है इससे हम आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, ब्राइट करेगी, आपके चेहरे से दाग धब्बे जो हैं वो ख़त्म करेगी और लेमन जो होता है वो डेड सेल्स को रिमूव करता है। सर्दियों में जो कि स्किन बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है और येलोश ज़्यादातर हो जाती है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है वही होता है कि स्किन जो होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, टमाटर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करते हैं और ग्लो करते हैं। तो उसके लिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की जो रेमेडी है वो, कि इसके लिए हमें जो चाहिए वो टमाटर का रस चाहिए। टमाटर को आपने पहले दो हिस्सों में काट लेना है और आपने कोशिश करनी है कि जो टमाटर है वो थोड़ा सख्त ले, क्योंकि जब हम बाद में इसके साथ स्क्रब करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा मेल्टी टाइप नहीं हो जाता। आधे का मैंने पहले गोदा निकाला हुआ है और आधे का मैं आपके साथ सामने पहले इसको निकाल के दिखाऊँगी। ये देखें, इस तरह आपने टमाटर के अंदर से गोदा ले लेना है। इसको लेने के बाद आपने इसको, आप डेली बेसिस पे अगर इसको रोज़ाना बना के इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छी लुक देगा। और इसमें आपने हाफ टी स्पून जो है वो लेमन जूस का इस्तेमाल करना है, हाफ टी स्पून लेमन जूस, और आपने इस इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब तक मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे कोई पैसे नहीं लगते और हम जो जो अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं आप उसका नोटिफिकेशन आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको किसी भी ब्रश की मदद से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। चेहरे पर अप्लाई करना इस तरह, आप इसको अच्छी तरह अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 20 या 15 मिनट तक, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, आपने इसको ऐसे रहने देना है। और जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगी कि आपने क्या करना है। जी नाज़रीन, देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, 15 मिनट तक आपने वेट करना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको क्या करना है कि इसका डबल कोट दोबारा देना है। इसको डबल कोट दें, जब इसको आप अच्छी तरह डबल कोट दे लें तो फिर आपने जिसमें से आपने गोदा लिया है उस टमाटर को लेके आपने इसको अच्छी तरह से स्क्रब करना है। जब आप इसको अच्छी तरह स्क्रब करेंगे तो 2 से 3 मिनट तक आपने इसको स्क्रब करना है ऐसे। 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करने के बाद जब आप इसको धोएंगे तो आपको वाज़े तौर पर अपने दोनों हाथों में फ़र्क महसूस होगा। हफ्ते में इस रेमेडी को हफ्ते में तकरीबन डेली यूज़ करें, आपको विदिन 1 वीक इसका आपको इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा कि आपके हाथ में चेहरे पे कितना फ़र्क पड़ा है। और अगर आप डेली बेस पे यूज़ नहीं भी करना चाहते तो वीक में आप इसे 4 टाइम यूज़ करें और कमेंट में हमें अपना ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी और आपको इसका इफ़ेक्ट भी कैसा मिला। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।